तो उन्होंने अपने दुकान की जो खजाने की चाबी होती है उसको खोल दिया है। मैं चाहूंगा कि ये सारा अपने पास बिल्कुल तैयार रखे, लेकिन क्योंकि ये सभी रिकॉर्ड टूटने वाले हैं आज इस फाइनल मैच में। स्वागत है आप सभी का दिलशान क्रिकेटर सलीमपुर के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पे। तो भदोही टीम के कप्तान अपने सभी खिलाड़ियों के साथ ग्राउंड में उपस्थित वार्म अप होने के बाद, थोड़ी फिजिकल फिटनेस को बिल्कुल दुरुस्त करने के बाद अपना शत प्रतिशत योगदान देने के लिए अपने अपने स्थान पे जाते हुए, और दोनों उद्घाटक बल्लेबाज प्रयागराज के आ चुके हैं। प्रयागराज ओसामा इश्तियाक के बोर्ड पे जो बैनर लगा हुआ है, यदि हाँ इधर हमारे दाहिने तरफ है ओसामा इश्तियाक का जो बैनर लगा हुआ है, कोई भी बल्लेबाज यदि छक्का मारता है प्रत्येक छक्के पे 500 रुपया, प्रत्येक छक्के पे एक बड़ा आकर्षक पुरस्कार 500 रुपया, लेकिन शर्त एक है कि वो छक्का ठीक हमारे दाहिने तरफ नगरा डायमंड राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता 2024 इश्तियाक अहमद के सुपुत्र है आयाम इश्तियाक, इनके द्वारा प्रत्येक छक्के पे 500 रुपये का बहुत ही आकर्षक पुरस्कार रखा गया है। तो खिलाड़ी इसको जरूर अपने जहन में रखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि पुरस्कार पाने के लिए अपना विकेट का नुकसान कर जाएंगे, सोच समझ कर, क्योंकि फाइनल का मैच है। कोई व्यक्ति कैच रोकता है तो 100 रुपया। अश्वनी जो कि इंजीनियर साहब है विद्युत विभाग के, उनके द्वारा सीमा रेखा के बाहर कोई भी दर्शक यदि कैच लेता है तो 100 रुपये का पुरस्कार उनको दिया जाएगा। तो दर्शक भी खुश कि यदि उनके पास गेंद चली जाती है और वो कैच कर लेते हैं तो 100 रुपये के हकदार बनेंगे। तो आप लोग भी अपने मुस्तैद फील्डिंग के लिए बिल्कुल तैयार रहिएगा, क्या पता किसके पास में वो गेंद चली जाए किस राउंड पे। अब्दुल रहमान और इमरोज ये दोनों उद्घाटक बल्लेबाज ग्राउंड पे आ चुके हैं, और किसरा सरोज के हाथों में है बॉलिंग की जिम्मेदारी, जो काफी कातिलाना और काफी गति के साथ सुम मूवमेंट भी प्राप्त करते हैं, इन स्विंग आउट स्विंग यॉर्कर सोवर डिलीवरी और बिल्कुल सही निशाना गुड लेंथ स्पॉट पर गेंदों को रखते हैं। लेकिन उनके सामने है बल्लेबाज अब्दुल रहमान, स्टेट खिलाड़ी भदोही के। अब्दुल रहमान और दूसरे नॉन स्ट्राइकर है इंद्रोज। पहले ओवर का खेल जारी होने वाला है, बल्लेबाज गेंदबाजी की जिम्मेदारी है किसान सरोज के पास। यहाँ से पीछे हटो तुम लोग, आप शायद की फिलिंग इस प्रकार है, एक खिलाड़ी बिल्कुल थर्ड बॉल सीमा रेखा के ऊपर, सेकंड स्लिप 7 पॉइंट 7 कवर 7 एक्स्ट्रा कवर और 7 लाख लांगा घेरे के अंदर, जबकि आन साइड में एक खिलाड़ी 7 स्क्वायरले के ऊपर और एक खिलाड़ी 7 घेरे के अंदर लांग के पोजीशन पे, और बॉलिंग की जिम्मेदारी है किसान सरोज के पास। पहले ओवर की पहली गेंद करने के लिए तैयार किसान सरोज हमसे जुड़ जाते हुए दाहिने हाथ से ओवर दिखे, आप सभी लोग एक एक शेयर बनता है। और इस गेंद को उन्होंने धीरे से ठीक 7 पॉइंट की दिशा में खेला, रन लेना चाहते थे लेकिन सामने से इरोज ने मना किया और दोनों बल्लेबाज सुरक्षित अपने क्रीज में। काफी मजे हुए खिलाड़ी है, काफी प्रतिभा है, कौशल से भरपूर है, चाहे वो आगे निकलकर साथ खेले या बैटिंग के साथ खेले, पूरे नियंत्रण समान नियंत्रण के साथ खेलते हैं। आप साइड में उसी तरह की बल्लेबाजी और आन साइड में भी उसी तरह की बल्लेबाजी करती है, लेकिन यहाँ किस्सा सरोज अपने ओवर की दूसरी गेंद करने के लिए तैयार हमसे दूर जाते हुए।
ऑफिसर की बाहर की गेंद और सिंह होकर वुडलैंड इस पार से बाहर की तरफ निकलती हुई खेलना चाहते थे, भाग्यशाली रहे कि गेंद ने बल्ले का किनारा नहीं लिया और गेंद चली गई विकेट कीपर के दस्ताने में। पहले ओवर से ही अच्छे लय में पूरे लय में प्रतिबद्ध तरीके से एक विकेट की तलाश में उल्लास उमंग और जोश के साथ गेंदबाजी करते हुए, जबकि उनके सामने है उद्घाटक टीम मजे हुए बल्लेबाज आक्रामक शैली के अब्दुल रहमान में से खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं यशस्वी जायसवाल। नियम का पालन तुम ही लोग नहीं करते कैसे चलेगा भाई, ग्राउंड के अंदर में ऑफ साइड में 7 और 3 खिलाड़ी ऑन साइड में इस फील्ड की जमावट के साथ बॉलिंग करने के लिए तैयार। पहले ओवर का खेल प्रगति पे है, यह फाइनल मैच खेला जा रहा है भदोही वर्सेस प्रयागराज। किस्सा सरोज हमसे दूर जाते हुए ऑफिसर की बाहर की गेंद उछाल लेती हुई आउट स्विंग होकर विकेट कीपर के दस्ताने में, गेंद को देखा परखा और जाने दिया सुरक्षित विकेट कीपर के दस्ताने में। बहुत ही नपी तुली कमाल की गेंदबाजी, थोड़ा सा फिर उछाल भी मिल रहा है इनको, बाउंस भी मिल रहा है, टप्पा बिल्कुल सही निशाने पर अब्दुल रहमान को थोड़ा सा परेशान करते हुए अपनी तेज गति और आउट स्विंग बॉलिंग से। करीब करीब 25,000 दर्शक इस फाइनल मैच का पूरा आनंद लेते हुए, और उनके सामने है छोटे कद के बल्लेबाज अब्दुल रहमान। किस्सा सरोज दाहिने हाथ से ओवर द विकेट और शॉर्ट पिच के थे, इसको जो है स्पिन कट कर दिया है एम्पायर का इशारा, 4 रनों का खूबसूरत चौका। ढोल लगाने की आवाज जब बजे तो मान के चलिए कि या तो चौका होगा या तो छक्का होगा या तो विकेट गिरा होगा। आप इस टाइम के थोड़ी सी बाहर थोड़ी सी बैकअप लेंथ की गेंद थी, 60 पिच गेंद थी और बैठों पर गए और गेंद को उन्होंने स्क्वायर कट कर दिया, गेंद विद्युत की तरह चली गई स्क्वायर क्रिकेटर पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। 4 रनों के साथ कुल स्कोर संख्या 4 प्रयागराज का बिना किसी नुकसान के। अगली गेंद आप इस टाइम के काफी ज्यादा बाहर और व्हाइट बॉल का इशारा हुआ एम्पायर एहसान के द्वारा। इस एक अतिरिक्त रनों के साथ एक्स्ट्रा के साथ कुल स्कोर संख्या प्रयागराज का 5 बिना किसी नुकसान के। तो जो फील्ड की जमावट है वो बता रही है कि जो गेंदबाज का फोकस होगा और आप स्टंप और आप स्टंप के बाहर का ही होगा, क्योंकि ज्यादातर खिलाड़ी शेयर करने के लिए 6 ग्रुपों में शेयर 8 खिलाड़ी ऑफ साइड में और 3 खिलाड़ी ऑन साइड की फील्ड की जमावट के साथ। किस्सा सरोज हमसे दूर जाते हुए दाहिने हाथ से ओवर द विकेट और अच्छी गेंद पूरी तरह से चकाया अपनी इस नपी तुली गेंद पर। खेलना चाहते थे लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क नहीं हुआ और चली गई विकेट कीपर के दस्ताने में। पूरे लय में पूरे धारदार गेंदबाजी करते हुए अपने हुनर का अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए भदोही के तेज गेंदबाज किस्सा सरोज स्ट्राइक बॉलर है। काफी लंबा रन अप दाहिने हाथ से राउंड विकेट और इस गेंद को उछाल दिया है लेकिन गेंद हवा में थी जरूर, लेकिन विकेट कीपर और गेंदबाज दोनों के बीच में गिरी, कोई नुकसान नहीं। लेकिन इस शॉर्ट पिच डिलीवरी पर जो सीने की ऊंचाई तक आई थी निश्चित तौर पे परेशानी में डाल रखा था अब्दुल रहमान को। अब पहली बार स्ट्राइक लेंगे बल्लेबाज इमरोज प्रयागराज के। बहुत ही आक्रामक और विस्फोटक दीपांकर सिंह है क्या गेंदबाज? अतीक अहमद, अतीक अहमद आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, युवा खिलाड़ी है 22 वर्षीय युवा तेज गेंदबाज जिनके कंधों पे काले छोर से गेंदबाजी का जिम्मेदारी दी गई है। आप साइड की फील्डिंग एक खिलाड़ी जो किस्सा सरोज है बिल्कुल थर्ड मैन पे सीमा रेखा के 1 मीटर पहले और सेकंड स्लिप 60 कवर और एक खिलाड़ी लॉन्ग आप सीमा रेखा के ऊपर, जबकि ऑन साइड में 60 स्पर ले
सात मिड विकेट और एक खिलाड़ी घेरे के अंदर सात लॉन्ग के पोजीशन पे। बताने की आपको दरकार नहीं पड़ेगी। इसी बीच अतीक की अगली गेंद और एक रन लेना चाहते थे, लेकिन बहुत सुंदर नपा तुला थ्रो सेकंड स्लिप के फील्डर के द्वारा, कसी हुई फील्डिंग अभी तक देखने को मिली है भदोही की टीम के खिलाड़ियों के तरफ से। अतीक अहमद अपने कोटे का पहला ओवर लेकर, आपका कमेंट भाई पूछिए, जबकि सूरज कुमार मिश्रा जी ने आपका कमेंट, उनकी दूसरी गेंद होगी, उनके सामने है लंबे कद के खिलाड़ी प्रयागराज के इमरोज जो स्वयं कप्तान है। कमेंट करता कदम बाहर, आंखों ही आंखों में इशारा हुआ और बहुत ही सुंदर बिटिंग दी रनिंग रनिंग बिटिंग का प्रदर्शन, एक रन बनाने में कामयाब, कुल स्कोर संख्या 6। दूसरा ओवर प्रगत पर है और अब स्ट्राइक लेंगे अब्दुल रहमान छोटे कद के खिलाड़ी। एम्पायर चंद्रा से लेग स्टंप का मिडिल स्टंप का गार्ड लेते हुए अब संतुष्ट अति काफी लंबा रन, तेज गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हैं और अब संतुष्ट करीब करीब 26,000 दर्शक इस मैच के भरपूर आनंद लेते हुए अति का मत हमारी तरफ आते हुए। और गेंद को क्लाइक सारे पूरा डिफ्लेक्ट कर दिया, गेंद जा रही है सीमा रेखा के साथ, इसको रोक पाते हैं कि नहीं, और ये गेंद चली गई सीमा रेखा के बाहर चार रनों के लिए, निर्विकेट बाउंड्री के बाहर, खूबसूरत चौका, थोड़ी सी खराब फील्डिंग जिसका नतीजा चार रनों के रूप में, और इस चार रनों के साथ कुल स्कोर संख्या हो चुकी है 10 बिना किसी नुकसान के। अब्दुल रहमान खेल रहे हैं 8 रनों के योग पे और इमरोज 1 रन बना के खेल रहे हैं, जबकि कुल रन संख्या है प्रयागराज की टीम का 10 बिना किसी नुकसान के। दूसरे ओवर का खेल जारी है। अतीक लंबा रन आप स्टंप के बाहर नीचे रहती हुई गेंद और गेंद आ रही है थर्ड मैन और ये गेंद चली गई थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर चार रनों के लिए। विकेट कीपर इस तेज रफ्तार की गेंद को कलेक्ट नहीं कर पाए और गेंद जैसे ही उनसे मिस हुई तेज रफ्तार से चली गई ठीक आकाशवाणी केंद्र के मध्य भाग से निकलती हुई चार रनों के लिए। इस चार रनों के साथ प्रयागराज का कुल स्कोर 14 जबकि अब्दुल रहमान खेल रहे हैं 8 के योग पे और इमरोज सिंह कप्तान प्रयागराज टीम के 1 रनों के योग पे खेल रहे हैं। दूसरे ओवर का खेल प्रगत पे है। दर्शकों के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है, कोई भी अगर कैच लेता है तो 100 रुपये का पुरस्कार इंजीनियर साहब की तरफ से। अच्छी गेंद बैतू पे गए और गेंद को ठीक खेला मेडा के रीजन में, अच्छा थ्रो लेकिन सुरक्षित अब्दुल रहमान अपने क्रीज में, किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं। यह फाइनल मैच इस राजस्तरीय डायमंड राजस्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता का अंतिम मैच जो कि फाइनल मैच है, भदोही वर्सेस प्रयागराज, रनर और विनर के बीच में अच्छा संघर्ष, गेंद और बाल के बीच में संघर्ष चल रहा है। इसी बीच अति अब्दुल रहमान को हमारे तरफ आते हुए विकेट आप स्टंप के बाहर, लेकिन वह फील्डर मौजूद रहती जब तक वो गेंद को उठाते थ्रो करते 1 रनों के लिए कदम बाहर। इस 1 रनों के साथ कुल स्कोर संख्या प्रयागराज टीम का 15 बिना किसी नुकसान के, जबकि 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, तीसरे ओवर का खेल प्रारंभ हो, तो 2 ओवरों के खेल की समाप्ति के बाद कुल स्कोर संख्या है 15 बिना किसी नुकसान के, या 2 ओवर 15 रन बिना किसी क्षति के। इसको ध्यान में रखते हुए इस पे एक छोटी सी टिप्पणी करते हुए आगे का आंखों देखा हाल बताने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ अश्विनी कुमार। धन्यवाद सर। सभी दर्शकों को पुनः एक बार मेरा नमस्कार। आज का मुकाबला भदोही और प्रयागराज के बीच जारी है, फाइनल मुकाबला, इस प्रतियोगिता का निर्णायक मुकाबला। दर्शक धीरे धीरे अपना जनसंख्या बढ़ाते हुए इस ग्राउंड पे, क्योंकि लोगों की उम्मीद से पहले थोड़ा सा मैच स्टार्ट हो गया है, फाइनल मुकाबला होना भी चाहिए। प्रयागराज इस समय टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी कर रही है और अब पुनः एक बार गेंदबाजी करने के लिए अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर सरोज लेफ्ट हैंड ओवर द विकेट अंपायर की तरफ जाते हुए
उनको क्रॉस करने के बाद उनका नियंत्रण थोड़ा सा खो बैठे वहां पे, तो अपने रनअप को ठीक तरीके से तैयार नहीं कर पाए, गेंद फेंक नहीं पाए और अंपायर ने कहा कि अगली आप तो अच्छी गेंद फेंकने के लिए पुनः जाइए अपने गोली मार पे। इनके लिए एक सजावट सीधे थर्डमैन है, उसके बाद से हल्का सा पॉइंट पॉइंट कवर मिड ऑफ और लंगा भी 30 गज के घेरे के अंदर है, वही लंगान और मिड विकेट और तथा स्क्वायर लेग भी 30 गज के घेरे के अंदर लंगान बॉडी लाइन पे है। चले हमसे दूर जाते हुए सरोज लेफ्ट हैंड ओवर द विकेट, भटकी हुई गेंद थी, अच्छी गेंद थी, बढ़िया हाइट पर थी, उसके तीछे बल्ले से कट कर दिया, वहां पर गया थर्ड मैन की तरफ गई। जब तक गेंद को खिलाड़ी उठाकर थ्रो करते अपना छोर बदल लिए वहां पर स्ट्राइक बैट्समैन अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान दो बेहतरीन चौके लगाकर 10 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पे रन स्ट्राइक पे है। वहीं पे इमरोज जो कि टीम के कैप्टन और विस्फोटक बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं, देखिए देखा ग्राउंड के अंदर में जाओ तो क्या मतलब है। चले सरोज इमरोज के लिए लेफ्ट हैंड ओवर द विकेट, शॉट पिच पट के भी बहुत अच्छी गेंद, उतना ही जबरदस्त शॉट और बेहतरीन फील्डिंग वहां पर बॉलर के द्वारा, गजब का शॉट, गजब का फील्डिंग, गजब का वहां पे क्षेत्ररक्षण देखने को मिला हमें खुद बॉलर द्वारा। निश्चित रूप से अगर उनका हाथ नहीं लगता तो दंदन आती ठीक हमारे कमेंट्री बॉक्स के नीचे आती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और हाथ को मल रहे हैं, चोट लगी है वहां पे, रगड़ रहे हैं, चोट को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या करें, मैच है, करो या मरो की स्थिति वाला मैच, फाइनल मुकाबला है, यहाँ पर पूरी जान लगाकर मैच खेल रही है यहाँ पर भदोही की टीम, और वहीं पर कहीं ना कहीं प्रयागराज की टीम भी प्रयास कर रही है कि हम भी अपना पूरा 100% समर्पित करें। चले इस ओवर में अगली बार अच्छे शॉट हवा में उठाकर मार दिया है, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन बॉडी लाइन के बाहर, 4 रन। आज दर्शकों से मेरा निवेदन है कि आप लोग बच के रहें, क्योंकि आज बहुत ही बमबारी होने वाला है, रनों का चौका छक्के लगने वाले हैं। साफ मनसा जाहिर कर दी है दोनों बैट्समैन की, जैसी ही कमजोर गेंद मिलेगी हमको भरपूर फायदा उठाना है, क्योंकि आज के पास यहाँ पे विजेता कौन बनेगी ये तो अभी कुछ देर बाद तय हो जाएगा। यही एक छाप छोड़ने का अच्छा मौका है इस नगर के बलिया के सरजमी पर, नगर के जनता इंटर कॉलेज के ग्राउंड पे। हेडफोन लगाइए तब सुनाई देगा आपको। सरोज इमरोज के लिए, दोनों रोज इस समय तैयार, लेफ्ट हैंड ओवर द विकेट, अंपायर को क्रॉस करने के बाद एक और पट के लिए ऑफिस से बाहर की तरफ निकल रही थी, उस गेंद को मारना चाहते थे लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, लेकिन गेंद और बल्ले का कहीं भी मिलन नहीं हुआ, चली गई विकेट कीपर के। ओके ओके, वर्तमान में स्कोर है 20 रन बिना विकेट के नुकसान पे, तीसरा ओवर प्रगति पे। सरोज इमरोज के लिए लेफ्ट हैंड ओवर द विकेट, इस ओवर में अगली बार। लेदर का मैच भी इस क्रेज पे चल रहा है कि 220 लोग इस मैच को देख रहे हैं, और ये थी बिल्कुल कमर के ऊंचाई पर गई थी, हेलमेट नहीं लगाया, उसको ठीक तरीके से खेल दिया, रन लेना चाहते थे, लेकिन जैसे ही देखा कि 30 गज के घेरे के खिलाड़ी लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी तैनात है, तुरंत अपना इरादा बदल दिया। अभी भी स्कोर है 20 रन बिना विकेट के नुकसान पे, प्रयागराज टॉस जीतने के बाद इस फाइनल मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए वहीं पे इमरोज 5 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, जबकि अब्दुल रहमान जो नॉन स्ट्राइकर पे हैं 10 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। चले सरोज इस ओवर में अगली बार अच्छी गेंद, बिल्कुल स्टंप पर गेंद थी, हल्के बल्ले से खेल कर ढकेल कर अपना छोर बदल लिया वहां पर इमरोज, और टीम के लिए 1 रन ओवर की समाप्ति हो गई। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 21 रन 7 रन पर ओवर के हिसाब से प्रयागराज का। क्रिकेट मैच इस डायमंड राजस्थरी क्रिकेट प्रतियोगिता 2024 का ये आखिरी निर्णायक मुकाबला इस समय नगरक के जनता इंटर कॉलेज के ग्राउंड पे जारी है। कृपया फर्स्ट एड की व्यवस्था कराई जाए, थोड़ा सा चोट लगा है सरोज जी को गेंद को रोकते वक्त, तो स्प्रे अगर है तो कृपया लेकर चले जाए वो लॉन्ग इस समय अंपायर साहब के पास, ऐसा लग रहा है अंपायर साहब बुला रहे हैं। बहुत ही अच्छा यहाँ पर व्यवस्था है, तुरंत भगवान न करे किसी को चोट लगे, अगर लगती है तो तुरंत फर्स्ट एड की व्यवस्था है यहाँ पे, एक से एक डॉक्टर भी इस हमारे प्रतियोगिता को कराने में उनका बहुत बड़ा योगदान है, खुद भी अपना 100% देने के लिए तैयार भी है कि अगर किसी खिलाड़ी को चोट लगती है तो तुरंत उपचार किया जाएगा वहाँ पे, किसी भी असुविधा के लिए आप संपर्क कर सकते हैं।
पवेलियन एंड पर भी और अंपायर साहब से खुद और कमेंट्री एंड पर भी, क्योंकि हर एक प्रकार की सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है। दर्शकों से मेरा यही निवेदन है कि आपके जो भी सहयोगी साथी मित्रगण को अभी अंदेशा नहीं है कि ये मैच प्रारंभ हो गया, दिलशान क्रिकेट सलेमपुर पर फेसबुक पेज पर भेज दें कि आप लोग वहां से भी देखते रहिए और मैच का लाइव प्रसारण तथा कमेंट्री का आनंद उठाते रहिए। पुनः बॉलिंग मार पर इस समय अतीक अहमद इमरोज के लिए लंबा रन है। अतीक का लेफ्ट हैंड ओवर द विकेट गेंदबाजी कराते हुए हमारी तरफ आते हुए छरारे बदन के पतले से लंबे कद के खिलाड़ी है। इस ओवर में पहली बार अच्छी गेंद, बिल्कुल स्टंप पर गेंद थी, उस गेंद को हल्के से बिल्कुल सम्मान दिया, बढ़िया गेंद को कॉपी स्टाइल में खुद बॉलर ने गेंद को उठाकर अपने सहयोगी खिलाड़ियों के साथ गेंद थमाते हुए पुनः जा रहे हैं बॉलिंग मार पर। इनका रन अप 30 गज का जो लाइन है बिल्कुल वहां से इनका रन अप है, अच्छा रन अप है, दौड़ते ही चीते की तरह। फर्स्ट स्लिप की व्यवस्था नहीं है लेकिन सेकंड स्लिप की तरफ है खिलाड़ी मौजूद, गली की तरफ मान जाए, हल्का सा पॉइंट, बिल्कुल पॉइंट कवर लॉन्ग ऑफ, ये है 30 गज के घेरे के अंदर के खिलाड़ी। 6 ओवर का पावर प्ले और ये चौथा ओवर प्रगति पर चले हमारी तरफ आते हुए अच्छी गेंद, बिल्कुल पैरों पर गेंद थी लेकिन स्टंप से बाहर, टप्पा खाने के बाद हल्की सी अंदर की तरफ आई, उस गेंद को सम्मान दिया और गेंद चली गई इस बार अंपायर के बगल में, वहां पर खिलाड़ी गेंद को उठाकर थ्रो करते कोई रन नहीं मिलेगा। आज डायमंड राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता 2024 जनता इंटर कॉलेज के प्रांगण के प्रयागराज वर्सेस भदोही के बीच फाइनल मुकाबला इस समय जारी है। प्रयागराज की टीम टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी करते हुए बिना विकेट के नुकसान पे 21 रन बना चुकी है, चौथा ओवर प्रगति पर चले इस ओवर में। अगली बार उठाकर गेंद को निकाल लिया है और गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है, निश्चित रूप से सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। जैसे ही गेंद पैरों पर थी उस गेंद को फ्लिक कर दिया, वहां पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं थे, लंगान के खिलाड़ी गेंद को जाकर जब तक वहां पर पहुंचने की कोशिश किए तब तक सीमा रेखा को क्रॉस कर गई थी 4 रनों के लिए। 4 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 25 रन और 2 चौकों की मदद से इमरोज भी खेल रहे हैं 10 पे 10 गेंदों का सामना करने के बाद, और वहीं पर अब्दुल रहमान भी रन स्ट्राइक पर है 10 रन पे, लगभग दोनों के स्ट्राइक रेट सेम है इस ओवर में। अरीबा और उस गेंद को बेहतरीन तरीके से उठाकर खेल लिया है, 1 बाउंस 4 रन। जैसे ही गेंद फिशन से बाहर की थी, हाथ खोलने का मौका मिला, लगातार 3 चौके पर चांदी का पेड़ है लक्ष्मी स्पोर्ट नगर के तरफ से और लगातार 2 चौके लगा चुके हैं इमरोज। आप स्टंप से काफी ज्यादा बाहर थी तो पता था कि सभी खिलाड़ी 30 गज के घेरे के अंदर हैं आउट साइड में, उनको बीट कराना है और चौका कमाना है, वैसा ही किया और गेंद दंदनाती हुई सीमा रेखा के बाहर गोली की रफ्तार में निकल गई 4 रनों के लिए। अभी तो लंबे लंबे 4 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 29 रन चले आ जाएंगे लेकिन गेंद खिलाड़ी के पास तक नहीं पहुंच पाई, 1 रन मिल जाएगा इस गेंद पर। बहुत ही अच्छा शॉट था लेकिन शॉट में उतनी दमदारी नहीं थी कि गेंद सीमा रेखा को क्रॉस कर जाए, 1 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 30 रन। सरफरोश आलम भाई अपना अपना कमेंट, 2 विकेट लगातार लेंगे, 2 छक्का लगातार लगाएंगे, 3 लगातार चौका लगाएंगे, लगातार 3 वाइड देंगे, उसके माध्यम से लक्ष्मी स्पोर्ट की तरफ से इतना बड़ा खिलाड़ी है शादी का पेड़ खेलते हैं कि नहीं खेलते हैं, इसीलिए मेडन ओवर पर भी पेड़ है और पूरा मैच 3 कैच पर भी ये पेन है, अगर पूरे मैच में आप 3 कैच लपक लेते हैं तो भी चले इस ओवर में। अगली बार और अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद, हल्की सी अपील लेकिन इस अपील पर आंखों देखा आप लोगों को सुनाने के लिए बड़े भैया जी। कहाँ हैं जावेद खान क्रिकेट जो आप हमारे साथ आएंगे? धन्यवाद चौहान जी, अभी तक का जो सूरत हाल है प्रयागराज की 4 ओवर की समाप्ति के बाद 30 रन बिना किसी नुकसान के, एक मजबूत, एक सुदृढ़, अच्छी आधारशिला, ठोस शुरुआत
प्रदान किया है दोनों बल्लेबाजों ने, अब्दुल रहमान और कप्तान इरोज ने। इसी बीच सरोज कृष्णा हमसे दूर जाते हुए दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, अच्छी गेंदी, बिल्कुल सही लेंथ और दिशा पे गेंद को ठीक अपने फॉलो थ्रू में गेंदबाज ने कलेक्ट किया, वापिस आ रहे हैं। अरे भाई जा खेला था वहां, तो बुलाया नहीं आपने अपने बॉलिंग बैट पे अकेले खेल के, इरोज जो कि आकर्षक शैली के बल्लेबाज हैं, आतिशी अंदाज में, तूफानी अंदाज में वो बल्लेबाजी करते हैं। इसी बीच कृष्णा हमसे दूर जाते हुए दाहिने हाथ से ओवर द विकेट और इस गेंद को बॉलर के सर के ऊपर से खेल दिया है, देखना इसको रोक पाते हैं कि नहीं, लेकिन अच्छी फील्डिंग वहां पे, अच्छा ड्राइव था बॉलर के सर के ऊपर से, बॉलर बैक ड्राइव, स्टेप ड्राइव था। जावेद अंसारी जी भाई स्वागत है आपका। और जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करते वापिस करते तेज गेंदबाज, तो बुलाए होते तो नहीं होता ना जावेद को एक रन बनाने का अवसर, कुल स्कोर संख्या 31 बिना किसी नुकसान के। अब्दुल रहमान 10 रनों के योग पे और इमरोज खेल रहा है 16 रनों के अपने व्यक्तिगत योग पे। इसी बीच किसान से दूर जाते हुए लेकिन काफी ज्यादा बाहर बॉल, व्हाइट बॉल का इशारा एम्पायर चंद्रा के द्वारा। इस अतिरिक्त रनों के साथ कुल स्कोर संख्या 32 बिना किसी नुकसान के, एक ठोस एक मजबूत शुरुआत प्रयागराज के द्वारा। दोनों उद्घाटक सलामी बल्लेबाज ओपनर बल्लेबाज मौजूद और अपनी रिच का पहुंच का सुंदर उपयोग करते हुए। इसी बीच किसान सरोज हमसे दूर जाते हुए दाहिने हाथ से ओवर द विकेट और फुल लंकी के अध्ययन कराने का प्रयास, गेंद को क्लाइक सारे टर्न कर दिया है, जब तक स्क्वायर लेग के फील्डर मिड विकेट के फील्डर आते गेंद को थ्रो करते, एक रन बनाने से नहीं रोक पाएंगे दोनों बल्लेबाजों को। और इस एक रनों के साथ बढ़ता हुआ प्रयागराज का कुल स्कोर 35 बिना किसी नुकसान के, अच्छी बल्लेबाजी, सुंदर तकनीक और अपने कौशल का भरपूर उपयोग करते हुए अब्दुल रहमान और कप्तान इरोज। प्रसिद्ध किसरा एक विकेट की तलाश में सब कुछ प्रयोग करते हुए, चाहे आउट स्विंग हो, चाहे इन स्विंग हो, स्लोर हो, यार्कर हो, इसी बीच हमसे दूर जाते हुए दाहिने हाथ से ओवर द विकेट और किसी को हिलने तक का भी अवसर नहीं मिला, इतना यह विद्युतीय खूबसूरत कलाई का उपयोग किया हुआ ड्राइव था। किस्सा सोच थोड़े से परेशान विचलित और अब बॉलिंग करने के लिए तैयार, प्रयागराज बिटवीन, अभी खेल को रोका गया है, एक बारहवा खिलाड़ी ग्राउंड के अंदर पूछता नहीं है भाई पहुंच गया है। तो हम चाहेंगे कि खिलाड़ियों के माध्यम से उसे बाहर किया जाए और आप लोग जाने का रास्ता दे दें, समय यूं ही वेजा बर्बाद हम लोग न करें, प्लीज उसे जाने का रास्ता दे दिया जाए। आप तो बड़े अच्छे दर्शक हैं, से जुड़े हैं संतोष, उम्मीद करता हूं कि रास्ता उसको दे देंगे। क्रिकेटर घाटी से इसी बीच किस्सा सरोज काफी लंबा बटनी से साहू पार बटनी से दाहिने हाथ भैया और करारा स्ट्रोक, बहुत ही करारा स्ट्रोक, लेकिन वहां अच्छी फील्डिंग और गेंद यदि उनके हाथ पे नहीं आती तो निश्चित तौर पे ये लाना बाउंड्री के बाहर चली जाती, चार रनों के लिए। कमाल की फील्डिंग, इस ठंड में फील्डिंग करना आसान नहीं है, बहुत दूर कार्य है। गेंद जब हाथों में लगती है तो यकीन मानिए जिसको लगती है उसी को इल्म होता है, अनुभव होता है, ज्ञान होता है कि कितनी चोट लग रही है, कौन कौन कहां से जुड़ा है। जैसे बिच्छी डक मारता है ना, हम लोग पहुंचाइए, देखिए ग्राउंड के उसी प्रकार का अनुभव होता होगा, तो ये सब लेदर के क्रिकेट में नहीं हो पाएगा भाई, चोट लगेगी। इसी बीच बॉलिंग करने के लिए तैयार किस्सा सरोज और उनके सामने है स्टेट खिलाड़ी अब्दुल रहमान, लाइव देख रहे हैं तो शुक्रिया आपका, सऊदी अरब से करारा स्ट्रोक, दो खिलाड़ियों के बीच से देखना इसको रोक पाते हैं, कमाल की लाजवाब फील्डिंग, बहुत खूबसूरत शानदार फील्डिंग का नमूना।
और ऐसा लग रहा था कि एक ये चली जाएगी सीमा रेखा के बाहर, लेकिन अपनी शानदार फील्डिंग, गोता लगाते हुए, ड्राइव लगाते हुए गेंद को जो संभावित 4 रन लग रही थी उसको समाप्त किया और इस 1 रनों के सहारे स्कोर संख्या 39 बिना किसी नुकसान के बहुत ही अच्छी सदी हुई शुरुआत, ठोस शुरुआत, अच्छी नींव दोनों बल्लेबाजों के द्वारा। नगरा डायमंड राजस्थानी क्रिकेट प्रतियोगिता 2024 जिसका शुभारंभ 10 जनवरी हुआ था और फाइनल आज 18 जनवरी को खेला जा रहा है। इसका पोस्टर बैनर बहुत खूबसूरत बना है, जिस तरह से एक टूर्नामेंट का पोस्टर बनना चाहिए। नगरा बलिया है, जिला बलिया है, उत्तर प्रदेश। आज के हमारे मुख्य अतिथि नगर पंचायत नगरा अध्यक्ष प्रतिनिधि आदरणीय उमा शंकर जी 5 मिनट के बाद ग्राउंड में पंडाल में आने वाले हैं। मैं आयोजन समिति के तमाम अपने सामान्य सदस्यों से आग्रह करता हूं कि उनको जनता कार्यालय का जो प्रवेश द्वार है वहां से गेंदबाज आदर्श है क्या, वहां से रिसीव करने का कष्ट करेंगे। 5 मिनट बाद स्पिन अटैक लग चुका है, स्पिन गेंदबाजी का अटैक लग आदर्श गुजरात से पहला ही अब परिवर्तन हुआ है गेंदबाजी में। पहले अतीक अहमद और किस्सा सरोज बॉलिंग कर रहे थे, परिवर्तन के तौर पर लाया गया है गेंदबाज आदर्श को और उनके सामने है अब्दुल रहमान जो 12 के योग पे खेल रहे हैं और मुरोज खेल रहे हैं 21 के योग पे, जबकि कुल जनसंख्या है प्रयागराज का 39 बिना किसी नुकसान के। छठे ओवर का खेल और ये गेंद चली गई सीमा रेखा के बाहर और ये गेंद चली गई सीमा रेखा के बाहर इस 4 रनों के साथ कुल स्कोर संख्या 43। यह निर्णायक मैच चल रहा है फाइनल का, प्रयागराज वर्सेज भदोही के बीच में, विनर और रनर के बीच में अच्छा द्वंद, गेंद और बाल के बीच में अच्छा संघर्ष, पूरा रामंच इसी बीच अगली गेंद और अच्छा स्ट्रोक, लेकिन फील्डर मौजूद और गेंद लेना चाहते थे अब्दुल रहमान, लेकिन सामने से कप्तान विरोध ने मना किया। सुरक्षित दोनों बल्लेबाज अपने अपने क्रीज में। कौन सा ओवर? छठे ओवर का खेल प्रगत पे है। मेरे कमेंट ही नहीं देखा जावे। पावर प्ले का ही अंतिम ओवर, इसी बीच आदर्श स्पिन बॉलिंग और अच्छा ड्राइव, लेकिन अच्छी फील्डिंग स्वतः बॉलर आदर्श के द्वारा किसी प्रकार की गन की गुंजाइश को समाप्त किया अपनी अच्छी फील्डिंग के तहत। आदर्श गेंद की साइनिंग को, चमक को बरकरार रखने के लिए ट्रोजन्स पे रगड़ते हुए और अब छोटे बॉलिंग रनअप से कंप्लीट की गेंद लक्ष्य के ऊपर, लेकिन वह फील्डर मौजूद, एक रन पुनः लेना चाहते थे अब्दुल रहमान, लेकिन कोई इंटरेस्ट नहीं लिया कप्तान इरोज ने। अच्छी शुरुआत, ठोस शुरुआत, जैसी जरूरत थी उसके अनुरूप बल्लेबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाज और इस विकेट को तोड़ने की जिम्मेदारी आदर्श के पास। स्पोर्ट्स बिलरियागंज आजमगढ़ पाकिस्तान के बाहर, लेकिन वन बाउंस के बाद पॉइंट के फील्डर के पास और ये ओवर थ्रो हुआ है और ओवर थ्रो के जरिए 1 रन और प्राप्त हुआ प्रयागराज की टीम को और इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ इसको प्रयागराज टीम का 44 बिना किसी नुकसान के। अभी तक अभिजीत पार्टनरशिप, अभिजीत सरदारी चल रही है, किसी विकेट का पतन नहीं है इस फाइनल मैच में प्रयागराज की टीम के तरफ से। दोनों बल्लेबाज बड़े अच्छे लय में पूरी प्रतिबद्धता और धैर्य के साथ खेलते हुए आदर्श गेंद को उन्होंने डिफ्लेक्ट कर दिया है, लेकिन वहां फील्डर घेरे के अंदर लॉन्ग आर्म पे मौजूद है, रन बनाने की किसी भी संभावना को समाप्त किया। छठे ओवर का खेल समाप्त हुआ और आनंद के इस ओवर में कुल 5 रन बने तो अभी भी स्कोर है प्रयागराज टीम का 44 बिना किसी नुकसान के। 7वें ओवर का खेल प्रगत पर होगा। करीब करीब 35,000 दर्शक इस फाइनल मैच के प्रत्येक पल, प्रत्येक क्षण, प्रत्येक दृश्य का भरपूर आनंद लेते हुए
बड़े ही उत्साही जोश उमंग जैसे कोई पर्व हो दिखलाई दे रहे हैं दर्शक। और ढोल नगाड़ों की आवाज जब आकाश में विजयमान होती है तो एक और दृश्य और कोताहल का विषय बन जाता है। विकास, पिछले मैच में इन्होंने 7 विकेट प्राप्त किए थे, 4 ओवर 16 रन 7 विकेट, कमाल की विध्वंसक गेंदबाजी इन्होंने की थी। लेकिन वो दिन दिन की बात होती है, आज एक अलग दिन है, देखना है किस तरह की गेंदबाजी करते हैं विकास। बहुत छोटा सा रन अब हमसे दूर जाते हुए और इस गेंद को उन्होंने मोड़ दिया है, गेंद जा रही है स्क्वायरले की दिशा में, वहां फील्डर मौजूद, लेकिन एक रन बनाने से नहीं रोक पाएंगे दोनों बल्लेबाजों को। इस एक रनों के साथ बढ़ता हुआ कुल स्कोर 45 बिना किसी नुकसान के। टेनिस वाले प्लेयर जुड़े होंगे तो सोच रहे होंगे यार 2-4 छक्का भी तो बजा दिए होते। ये ओवर पिच गेंद थी, अगर टेनिस का कोई खिलाड़ी और इसी बीच एक और गेंद, किसी रन का इजाफा नहीं, स्कोर पूर्ववत 45। हेना मेंस रियर दुर्गा चौक नगरा बलिया के तरफ से इसी बीच आदर्श की अगली गेंद करारा स्ट्रोक लेकिन फील्डर मौजूद लैंगन पे गेंद को उन्होंने सफाई से फील्ड किया और मात्र 1 रन से ही संतुष्ट होंगे दोनों बल्लेबाज। तो हेना मेंस रियर इनके द्वारा एक जींस, चाहे आपकी साइज कुछ भी हो, चाहे पतले हो चाहे मोटे हो, बिल्कुल आपका फिटनेस इसमें अच्छा रहेगा, और एक शर्ट यहाँ प्रदान किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप स्टंप की बाहर की गेंद और गेंद को खेला मैदान के रीजन में घेरे के अंदर, वहां फील्डर मौजूद, रन बनाने का कोई अवसर नहीं, बोली की जिम्मेदारी है विकास के पास। तो 7 विकेट पहले वाले मैच मिले थे और नजाकत के साथ खेला गया यह स्ट्रोक, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क नहीं हुआ, ऐसा लगा कि गेंद जो है फर्श की दिशा से खेली जा रही है। लेकिन कमाल की गेंदबाजी, अच्छी गेंदबाजी, लय में गेंदबाजी, इलाहाबाद वर्सेस भदोही के बीच ये मैच विकास के द्वारा, भदोही वही टीम है और इस गेंद को उन्होंने खेला है जहां से विकेट कीपर के ग्लब से गेंद थोड़ी सी छिटकी, लेकिन किसी प्रकार के रन बनने की संभावना नहीं, ओवर समाप्त हुआ। तो यह बताते हुए कि हमारे मुख्य अतिथि अब से 5 मिनट बाद जो की उद्घाटनकर्ता के रूप में है नगर पंचायत नगरा अध्यक्ष प्रतिनिधि आदरणीय उमा शंकर जी, अब से कुछ देर बाद अतिथि पंडाल में आएंगे। मैं आयोजन समिति के अपने तमाम सभी सदस्यों से गुजारिश करता हूं कि इसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा। आगे का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए अपने मित्र मैं चौहान जी को आमंत्रित करता हूं कि अपनी सुंदर कमेंट्री के द्वारा स्वस्थ मनोरंजन करते हुए आंखों देखा हाल प्रस्तुत करें। चौहान जी इधर से अभी तक पहले विकेट की तलाश में इस समय भदोही की टीम, निश्चित रूप से बहुत ही अच्छी शुरुआत कहेंगे प्रयागराज के दोनों प्रारंभिक बल्लेबाजों द्वारा। मोहम्मद समझदारी के साथ बल्लेबाजी चल रही है, कहीं भी थोड़ा सा भी रिस्क नहीं उठा रहे हैं। हम लोग ये साफ मंशा है कि आज कुछ पिच पे समय बिताकर खेलना है। आदर्श क्या आदर्श बन सकते हैं अपने भदोही की टीम के लिए, ये तो समय का ही वक्त बताएगा। 4 जो गेंदबाजों का प्रयोग किया गया है उसमें से 3 लेफ्ट हैंडर गेंदबाज है और ये चौथे एक थे अभी, इससे पहले विकास वही राइट हैंडर थे। अजीबोगरीब रन अप अंपायर से गार्ड लेने के बाद लेफ्ट हैंड जाकर राउंड विकेट गेंदबाजी करा रहे हैं ये इमरोज के लिए। चले छोटा रन अप है और अच्छी गेंद, नीचे रही गेंद और किसी तरह से उनका बल्ला आ गया गेंद पर, वरना गेंद निश्चित रूप से विकेट के अंदर घुस रही थी। 1 रन मिल जाएगा इस बॉल पर, 1 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 47 रन। रनों की गति को अब यहां से निश्चित रूप से कुछ बहाना होगा क्योंकि 8वां ओवर प्रगति पे है। रनों की गति कोई खास नहीं है, भले विकेट न गिरा अगली गेंद और उस गेंद को निकाल दिया गया जा रही है लॉन्ग ऑन की तरफ, वहां पर खिलाड़ी गेंद को उठाकर जब तक थ्रो करेंगे 1 रन पुनः मिल जाएगा। एक एक करके बूंद बूंद से तालाब भरने की कोशिश जारी है। अभी तक पहला छक्के का दरकार है दर्शकों को, पूरी तरह से दर्शक खामोश बैठे हुए हैं, उम्मीद आस लगाए हुए कि कब हमारी तरफ गेंद आए और 100 रुपये वाला जो शॉट है उसको कैच में बदला जाए। अगली गेंद बहुत ही अच्छी गेंद, क्या बात है भाई, गजब की गेंद थी। गिरने के बाद निश्चित रूप से छटपटाहट पैदा कर दी वहां पर इमरोज के शरीर में, वो किसी तरह से संभालने की कोशिश किए
लेकिन गेंद शहर के हिसाब से छक्का तो नहीं चली गई विकेट कीपर के हाथों में। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी आदर्श के द्वारा देखने को मिल रही है। छोटा रन अप है, निगेट इस ओवर में चले और उठाकर मार दिया है और निश्चित रूप से कैसी मारेगा के बाहर जाएगी। पहला मैक्सिमम छक्का इसी के साथ 50 के पार प्रयागराज 54 रन बिना विकेट के नुकसान पे। जैसे ही दर्शकों की मांग थी कि छक्का नहीं लग रहा है, इमरोज के कानों तक ये आवाज, ये गुनगुनाहट, ये शोर एक पहुंची तो उस गेंद को निकाल दिया बाउंड्री लाइन के ऊपर से 6 रनों के लिए। अगली गेंद इस ओवर में इमरोज के लिए और इस बार बढ़िया गेंद, उस गेंद को कट कर दिया, गेंद जा रही है पॉइंट बाउंड्री लाइन की तरफ, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, एक रन मिल जाएगा और इस 1 रनों के साथ इमरोज का व्यक्तिगत स्कोर 30 रन और टीम का स्कोर 55 रन। अभी भी पहले विकेट की तलाश है, बिना विकेट के नुकसान पे 55 रन, लगभग 7 रन पर ओवर के हिसाब से रन बन रहा है। ठीक है, अभी विकेट नहीं गिरा है, रनों की गति को बढ़ाई जा सकती है। अगली गेंद, उस गेंद को ड्राइव कर दिया वहां पर, कवर बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद गई, 1 रन पुनः मिल जाएगा। 1 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 56 रन 8 ओवर की समाप्ति के बाद बिना विकेट के नुकसान पे। इसी बीच इस मैच के जो मुख्य अतिथि के रूप में है माननीय उमा शंकर जी, नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि के रूप में है, जिनके जिनके हाथों से इस प्रतियोगिता को कराने में सहयोग में 51,000 रुपए की धनराशि दी गई है। बहुत बहुत कमेटी की तरफ से उनका आभार। और हमारे बीच इस समय ढोल और नगारों के सम्मानित के तौर पे आते हुए पूरी तरफ से ढोल और नगारे उनका स्वागत कर रहे हैं। और क्यों न करें ऐसे महान नेता का जिन्होंने खेल के प्रति अपना लगभग मान के चलिए 500,000 रुपए समर्पित किए हैं। 50,000 से 51,000 रुपए इस बड़े प्रतियोगिता को कराने के लिए विकास अब आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, पिछले मैच के सुपर हीरो रहे हैं। अगली गेंद और उस गेंद को अंपायर का इशारा हुआ, इट काफी जम से काफी ज्यादा बाहर थी, गिरने के बाद और बाहर की तरफ गई, अंपायर का दोनों हाथ हवा में, थोड़ा सा शोर शराबों के बीच अंपायर साहब का ये कहना है कि हल्का सा मैच को रोक दिया जाए, क्योंकि जब कट बिहाइंड होगा तो समझ नहीं आएगा कि इशारा क्या है, आउट है या नहीं है, उसमें थोड़ी सी दिक्कतें पैदा हो जाएगी। एक दो मिनट के लिए, कुछ क्षण के लिए, जैसे माननीय हमारे मुख्य अतिथि जी उमा शंकर जी नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि हैं, उनका ससम्मान स्वागत पूर्वक पंडाल में ले जाया जा रहा है, जो पवेलियन लगा हुआ है। सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है कि इस प्रतियोगिता का आप लोग लाइव प्रसारण भी देख सकते हैं। दिलशान क्रिकेट सलेमपुर अपना फेसबुक खोलिए और ऊपर सर्च कर जो गोले का सिंबल होता है उसमें डालिए दिलशान क्रिकेट सलेमपुर, वहां पर आ जाएगा। दिलशान क्रिकेट सलेमपुर का होलर बैनर लगा हुआ है, उस पर आप सब्सक्राइब फॉलोअर कीजिए और पूरे इस शानदार सा क्रिकेट मैच का विथ कमेंट्री आनंद उठाइए। विकास हमसे दूर जाते हुए और फ्लाइटेड गया थे, हवा में गया, फंसा दिया है, नीचे खिलाड़ी मौजूद, देखते हैं क्या होता है। और पहला झटका लगता हुआ प्रयागराज को कैच आउट के रूप में, आउट होकर पवेलियन की तरफ जाते हुए अब्दुल रहमान 20 रन बनाकर निराश हताश हवा में शॉट खेलकर बैट को जमीन पर ठकठकाते हुए पवेलियन की तरफ जा रहे हैं। थोड़ा सा हल्का सा गेंद रुका था, मोमेंटम रुका और उनका विकेट गिरा। उनको पता था कि हमारी टीम का रनों की गति को बढ़ाने के लिए हमारे ऊपर प्रेशर आ रहा है, वही प्रेशर रिलीज करने के चक्कर में शॉट खेलने की कोशिश की, छक्का मारने की कोशिश की, जिसके प्रयास में उनका विकेट गिर चुका है। अब आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए कामिल खान है तो कामिल खान ही है लग रहा है जो टीम के उप कप्तान है, और वही विकास जी जो पिछले मैच के हीरो हैं और आज भी अपनी टीम के लिए कुछ ऐसा ही करके दिखाने के प्रयास में पहला विकेट प्राप्त कर रही है, बिल्कुल अपनी फिरकी में फंसाते हुए अब्दुल रहमान को। दोनों इस समय कैप्टन और उप कैप्टन
इस ग्राउंड के बीचों बीच पिच पर तैनात है अपनी टीम का जिम्मा अपने कंधों पर उठाकर अंपायर से गार्ड लेने की कोशिश करते हुए कामिल खान, जो पहले विकेट के बीच 57 रनों की साझेदारी टूटने के बाद क्रिकेट स्लो होता है मैच आए हैं अपनी जिम्मेदारी लेकर आगे का रनों की गति को बढ़ाने के लिए और स्कोरिंग पॉइंट चलाने के लिए इनके लिए छोर बदलते हुए करने का फैसला लिए है विकास। राइट हैंड ऑन द विकेट, गेंद को हाथों में बचाते हुए बिल्कुल टर्मिनेटर की तरफ छोटा रनाफे, दो चार कदमों का रनाफे हमसे दूर जाते हुए चले इस ओवर में अगली बार। कामिल खान के लिए अच्छी गेंद जाकर पैरों पर टकराई, हल्की सी अपील, लेकिन इस अपील पर अंपायर का कोई असर नहीं। जैसे एक गेंद गिरी, थोड़ी सी कोण बनाकर अंदर की तरफ जा रही थी, निश्चित रूप से लेग स्टंप को छोड़ती हुई जा रही थी, जिस पर इस अपील में थोड़ा सा उत्साह था, विश्वास बिल्कुल न के बराबर। कामिल खान के लिए तैयार विकास, और अच्छी गेंद गिरने के बाद ऑफ स्टंप से बाहर की तरफ गई, उस गेंद को तिरछे बल्ले से खेल दिया। दोनों तरफ इनकी गेंद घूम रही है, कभी अंदर की तरफ कभी बाहर की तरफ, इसमें निश्चित रूप से बैट्समैन को सोचने समझने पर मजबूर कर रहा है कि गेंद कहां जाएगी, किस तरह जाएगी, किस क्षेत्र में जाएगी, और सोच समझ कर खेलना ही पड़ेगा। अगली गेंद और इस बार पटके हुए बेहतरीन शॉट निकाला है, बहुत ही खूबसूरत प्रयास, मगर चार रन, क्या गजब का शॉट और उतना ही बेहतरीन फील्डिंग करने की कोशिश, लेकिन उस कोशिश में पूरी तरफ से नाकाम हुए लॉन्ग बॉल के खिलाड़ी। जैसे ही जो शॉट पिच थी पटकी हुई थी, आधी पिच में गेंद को टप्पा खराया कामिल खान, ऐसे ही गेंद का इंतजार कर रहे थे, हाथ खोलने का मौका मिला और उस मौके को आरिफ सर से बिल्कुल भुनाया और अपना स्कोरिंग शॉट चौके के साथ प्रारंभ किया और चार रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 100 रनों के विकेट के नुकसान पे विकास किए गए। प्रारंभिक कोर्स से आपको पटकी हुई गेंद की तिरछे बल्ले से कट कर दिया, लेकिन वहां पर खिलाड़ी मौजूद, कोई रन नहीं मिलेगा, यानी कि हमारे साथ लाइव अभी शो में आप सभी को जुड़ेंगे, आप लोगों से पुनः मैं बता दूं कि जानता है जो भदोही से बिलोंग करते हैं और उन्हीं के हमारे स्कोरर साहब से कि जो कल के मैच के दूसरे हीरो थे भारत और अफगानिस्तान के बीच रिंकू सिंह, उनके साथ ये उन्हीं के एकेडमी के साथ ये क्रिकेट खेले हैं और एक हल्के बल्ले से ड्राइव कर एक सिंगल बना लिया, निश्चित रूप से उनसे कुछ प्रेरणा मिली होगी और ऐसे ही आज प्रयास करने की कोशिश में कामिल खान पुनः स्ट्राइक लेंगे। ओवर की समाप्ति हो गई, 9 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 62 रन। ये इस ओवर के बाद आरिफ सर ड्रिंक्स मैदान पे, 10 ओवर की समाप्ति के बाद ड्रिंक्स मैदान पे आएगा प्रारंभिक कोच है जिन्होंने यशस्वी जायसवाल को अपने बर्गर के कोचिंग सेंटर से पहली बार कोच किया था, यानी कि उनको एबीसीडी सिखाई थी और अपने तो अपने कलकत्ता भेजे थे, आप मुंबई भेजे थे आरिफ सर ने ही यशस्वी जायसवाल को मुंबई भेजा था नाम और बहुत बार उनके साथ आपने फोटो देखी होगी आरिफ सर की, यही वो आरिफ सर है जो कि यशस्वी जायसवाल के कोच है जी हाँ, अपनी मुकाबले में यहाँ मौजूद है भदोही फाइनल मुकाबला जहाँ तक हमारी आवाज पहुँच रही है उनको दर्शकों को मैं पुनः बताना चाहूंगा कि आज का मैच जो फाइनल मुकाबला प्रयागराज और भदोही के बीच खेला जा रहा है, टॉस जीतने के बाद प्रयागराज की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में से 9 ओवर की समाप्ति के बाद 62 रन पर एक विकेट और कामिल खान के लिए चले। अगली गेंद बढ़िया गेंद बिल्कुल गिरने के बाद स्टंप पर थी और कमर के थोड़ी सी नीचे हाइट पर थी, उसके पहले से फ्लिप कर कर एक रन पूरा कर लिया यहां पर कामिल खान, एक रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 63 रन। पूर्वांचल का अधिकतर नेदर के विकेट में यही देखा जाता है, जो कामिल खान है इसका परिचय पूरे 20 ओवर यानी 18 ओवर तक रन के लिए, जो इसमें भारत के लिए बहुत ही शानदार क्रिकेट खेल रहे हैं, उनके साथ पता चल रहा है कि एक क्रिकेट खेले हैं उनके साथ बल्लेबाज कहे जाते हैं कदम मिलाकर खेले हैं और निश्चित रूप से कल की बैटिंग होता है कि स्पिन खेलने के बाद आज इनको प्रेरणा मिली होगी। चले दीपांकर अगली गेंद और हल्की सी अंपायर का इशारा, लेकिन गेंद अंपायर बता रहे हैं कि स्टंप को छोड़ती हुई जा रही है, गेंद छोड़ कर जा रही थी, थोड़ी सी गेंद गिरने के बाद पैरों पर जैसे ही टकराई उत्साह सा नजर आ जाता है फाइनल के फील्डिंग खिलाड़ियों की, हल्की सी उम्मीद सी नजर आ जाती है कि शायद एक विकेट का खुराक मिल जाए। दीपांकर चले और उस गेंद को उठाकर मार दिया है नीचे, तो उसे कैसे मार रखा के बाहर, एक और गेंद का दूसरा छक्का, वो भी बल्लेबाज दर्शक आपके लिए भी इनाम है, उसको डर कर भागिए मत, 100 रुपए का पुरस्कार है, कुछ दर्शक इस प्रयास में हट जा रहे हैं कि शायद 100 रुपए के चक्कर में मेरी उंगली न कट जाए, ऐसी कोई बात नहीं है कि आप लोग
निश्चित रूप से एक कहीं ना कहीं अपने गांव के लिए क्रिकेट जरूर खेले होंगे, तभी यहाँ पर आकर आप मैच का आनंद उठा रहे हैं। क्रिकेट से लगाव जरूर होगा आप लोगों का। दीपांकर की अगली गेंद और छक्का, लगातार दो छक्के, चांदी के पेन को जीत चुके हैं यहाँ पर इमराज। दो बॉल दो छक्का और अपने व्यक्तिगत स्कोर 42 पर पहुंच चुके हैं 27 गेंदों में, और टीम का स्कोर है 75 रन। अगली गेंद और इस बार भी गेंद को ड्राइव कर दिया है, लॉन्ग ऑफ की तरफ जा रही है, एक रन पूरा किए हैं और एक ही रन मिलेगा, दूसरा रन रहेगा पिता जी के साथ, दो रन मिल जाएगा। बहुत ही शानदार विकेटों के बीच बॉल, दो रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 77। दसवां है प्रगति पर। इसी बीच हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज आप लोगों के सामने से गुजरता हुआ, साथ सम्मानित तालियां बजा के स्वागत करें आप लोग। अगली गेंद पांसर और उस गेंद को निकाल दिया है, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, हल्के प्रयास कदमों से एक रन पूरा करेंगे। बहुत ही अच्छी फील्डिंग वहां पर, निश्चित रूप से अपनी टीम के लिए 3 रन बचाए अपनी टीम के लिए। 10 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 78 रन। कृपया ये जो गिल्लियां रखी जा रही है ये निशानी है ड्रिंक ट्रॉली की, यानी कि ग्राउंड के अंदर ड्रिंक ट्रॉली आ रही है, गिल्ली देख सकते हैं सामने विकेट स्टंप के ऊपर। एक बार फिर से इस मैच का सबसे ज्यादा महंगा ओवर शशि जायसवाल के प्रारंभिक कोच से दीपांकर के जानकारी लेते हैं इमरोज ने। तो आरिफ सर आइए, यशस्वी जायसवाल के प्रारंभिक कोच कृपया ड्रिंक्स मैदान पर लेकर पहुंचे। सबसे पहले मुलाकात आपकी कहां हुई थी यशस्वी जायसवाल? मैं एक बार आप लोगों को बता दूं कि प्रयागराज और भदोही के बीच मुकाबला चल रहा है, जिसमें प्रयागराज की टीम बल्लेबाजी कर रही है, आउट होने वाले मात्र एक बल्लेबाज 2006 जो है शामिल ड्रिंक्स मैदान पर जा रही है डायमंड क्रिकेट क्लब का इंडिया से लड़के आते बैनर हो यहाँ पर लगा हुआ हाउस ड्रिंक्स से, और बहुत ही शानदार तरीके से बिहार यहाँ पर क्रिकेट का आयोजन हो रहा है नगरा के जनता इंटर कॉलेज के खूबसूरत से ग्राउंड में, और बिल्कुल क्रिकेट का हर नियमों का पालन होता है, वैसे ही माहौल पैदा कर दिया गया है और क्षेत्र के जनता को पहली बार बेहतरीन मुकाबला देखने के लिए मजबूर कर दिया गया है। आइए जनता इंटर कॉलेज के मैदान पर आप मुकाबला देखिए, और आज की जो मुख्य अतिथि जी है नगर पंचायत अध्यक्ष नगरा के प्रतिनिधि शंकर जी, जिनका इस प्रतियोगिता को कराने में बहुत बड़ा योगदान है, 51,000 रूपए का धनराशि सहयोग धनराशि किए हैं, युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनकर उभरे हैं, और ये बता रहे हैं कि अगर हमारे से और भी आप लोगों का कुछ सहयोग हो खेल के प्रति किसी भी प्रकार के प्रति, तो आप लोग बिल्कुल उनसे संपर्क कर सकते हैं। एक बहुत ही महान छवि है और बहुत ही प्रिया दिली है, वो अपने आप में एक मिसाल पेश करते हुए इस नगरा के सम्मानित जनता के लिए एक आदर्श बनते हुए फाइनल तक जो है गया भी था उस ट्रायल में, फाइनल के बाद आगे नहीं बढ़ पाया। एक कड़ा मुकाबला, कहीं ना कहीं एक स्कोरर साहब आपको बता रहे हैं कि दोनों जो टीम है उनके बारे में ये बताया जा रहा है कि भदोही की टीम अभी तक अपने विपक्षी को ऑलआउट कर दोनों बार ऑलआउट की है, और वहीं पर प्रयागराज की टीम एक भी बार ऑलआउट नहीं हुई है। तो इस तरह से आज का जो कॉम्बिनेशन है क्रिकेट परफॉर्मेंस पॉइंट के नाम से, क्रिकेट परफॉर्मेंस पॉइंट मुंबई जी, हमारे आज के मुंबई में सायन वेस्ट में, सायन वेस्ट में आरिफ सर के दोनों लाइनअप, दोनों टीम के ये आरिफ सर है जो कि लाइनअप हो जाए, और ये मैच के मुख्य अतिथि जी हमारे बीच आ चुके हैं, और भदोही के मैच का उद्घाटन करेंगे माननीय उमाशंकर जी, टीम लेकर आया जो नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि है, इसी टीम में हमारे बीच खेला करते पहुंच चुके हैं, और अंपायर साहब से मेरा निवेदन है कि प्रयागराज और भदोही के दोनों खिलाड़ी दोनों टीमों के खिलाड़ियों से निवेदन है कि कृपया ग्राउंड के बीचों बीच पहुंचे और लाइनअप हो जाए। उनको जो सिलेक्शन मिला और आज आप देख रहे हैं जायसवाल का जलवा, प्रयागराज के खिलाड़ियों से आने वाले आरिफ सर हम लोग अपने पवेलियन में, कृपया उनसे मेरा निवेदन है कि आप लोग पहुंचे और लाइनअप हो जाए, ड्रिंक्स के साथ साथ मैच का भी उद्घाटन होगा। हमारे आज के मुख्य अतिथि जी नगर पंचायत अध्यक्ष नगरा के प्रतिनिधि माननीय उमाशंकर जी हम लोग आगे भी जा चुके हैं, और वही उन्हीं के
हाथों द्वारा यहाँ पर मैच का प्रारंभ किया जाएगा, जो कि 10 ओवर के बाद आगे का जो भी होगा प्रारंभ उनके द्वारा किया जाएगा। और वो हमारे बीच पहुंच चुके हैं, टिंक्स भी मैदान पे है, दर्शक भी उम्मीद कर रहे हैं कि उनका स्वागत करें तालियां बजाकर। अभी ढोल नगाड़ों के साथ बिल्कुल हमारे बीच उपलब्ध हुए थे। इसी बीच कुछ अजीबोगरीब पटाखे का आयोजन है जो लगाया गया है हमारे इस ग्राउंड पे, दर्शकों का मन मोहता हुआ। सही तो चल रहा है भाई, नेटवर्क इशू तो नहीं है। मॉडर्न साइकिल स्टोर, इनका भी मॉडर्न साइकिल स्टोर स्वागत किया जा रहा है। निश्चित रूप से आरोप करता खुशी की एक लहर है कि वहां सुशोभित कर रहे हैं इस नगरा के जनता इंटर कॉलेज के ग्राउंड को, जिसमें आपका नहीं चल रहा है मेरे ख्याल से नेटवर्क, यहाँ तो अच्छा चल रहा है। क्राउन गेम भी एक बार नेटवर्क इशू के बारे में बताइएगा। 11,000 का गेम प्राइस है, फर्स्ट प्राइस बहुत बड़ा योगदान है हमारे बीच आ रहे हैं। एक नजर देख लिया जाए तो अब ये इंसान क्रिकेट सलेमपुर के फेसबुक पेज पर यहाँ पे क्या है, प्रयागराज के कृपया दोनों टीम के खिलाड़ी लाइन अप हो जाए, दोनों टीम के खिलाड़ी लाइन अप हो जाए। हमारे मुल्क के टीपी जी इस ग्राउंड पे बिल्कुल हमारे देश के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के सम्मान पूर्वक एक विद्या आदर्श अकेडमी के बच्चों के बीच में हमारे मुख्य अतिथि जी जो विद्या आदर्श अकेडमी के प्रबंधक संजय यादव जी अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ राष्ट्रीय ध्वज के साथ साथ मुख्य अतिथि जी के साथ और बगल में ढोल नगाड़ों के साथ बिल्कुल ग्राउंड में तस्वीर को अपने कैमरों में कैद करने की पूरी कोशिश करते हुए इस समय ग्राउंड के बीचों बीच नन्हे मुन्ने बच्चे विद्या आदर्श अकेडमी के हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लेकर पहुंचते हुए अपने हाथों में झंडा लहराते हुए आज के मुख्य अतिथि जी अन्य उमा शंकर जी जो नगर पंचायत अध्यक्ष नगरा के प्रतिनिधि हैं बिल्कुल ग्राउंड के बीचों बीच पहुंच चुके हैं। कुछ कैमरामैन मीडिया दर्शक भी पहुंच चुके हैं इस मैच का प्रारंभ कराने के लिए, प्रसारण भी किया जा रहा है। निशान क्रिकेट सलेमपुर फेसबुक पेज पर खोलिए, अपना सर्च कीजिए और उस पर हमारे इस मैच का, इस समारोह का, इस उत्सव का, इस माहौल का, इस त्यौहार का आनंद उठाइए और इस पर ढोल लगा रहे आपस में बिल्कुल ताल से ताल मिलाकर एक बेहतरीन क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन जो भी मुख्य अतिथि है उनका स्वागत अभिनंदन करते हुए उद्घाटन कर दिया गया है, जो कि रिबन को काट कर इस मैच का प्रारंभ कर दिया गया। अब थोड़ा सा गेंद का और बल्ले का अनुभव लेंगे हमारे मुख्य अतिथि महोदय जी और वहीं पर पटाखा ढोल नजारा गजब सा दृश्य, यहाँ पर माहौल गजब का माहौल है इस जनता इंटर कॉलेज के खूबसूरत से ग्राउंड पे। जो भी दर्शक अगर छूट चुके हैं, नहीं पहुंच पाए हैं, उनको मैं दर्शकों से निवेदन करूंगा कि आप लोग पहुंचाए, उनको खबर दे कि एक ऐसा माहौल चल रहा है कि जो आप कहने स्टेडियम लखनऊ में भी ऐसा माहौल नहीं देख पाएंगे, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में भी नहीं देख पाएंगे। अगर जो दर्शक नहीं पहुंच पाते हैं तो निश्चित रूप से अपने टीवी के माध्यम से उसको देखते हैं और यहाँ पर भी ऐसी व्यवस्था उपलब्ध है। इंसान क्रिकेट सलेमपुर जिनका फेसबुक पेज पर आप सर्च कर सकते हैं और उनके माध्यम से एक खूबसूरत सा लाइव गजब का नजारा और अगर आपको बिल्कुल आंखों से कहा अपने आंखों से देखना है तो अपने बिस्तर से उठिए, बाइक उठाइए, ईट लगाइए और पहुंच जाइए जनता इंटर कॉलेज के ग्राउंड पर। मैं पुनः एक बार आप लोगों को बता दूं कि आज के मुख्य अतिथि महोदय हम लोगों के बीच बिल्कुल पहुंच चुके हैं, मैच का प्रारंभ भी कर चुके हैं माननीय उमा शंकर जी, जिनका बहुत बड़ा राष्ट्रगान की तैयारी करते हुए। और सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है कि अपने स्थान पर आप लोग खड़े हो जाएंगे जैसे ही राष्ट्रगान प्रारंभ किया जाएगा।